आज बहुत तेज तूफान आने वाला है, ये देखिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे नए ब्लॉग में। तो हम बनाने जा रहे हैं आलू भल्ले आज। तो देखिए भल्ले भी बने रखे हैं टिक्के, तो फटाफट से बना लेते हैं। आलू में बढ़िया धनिया वगैरह डाल के बेसन ऐसन घोल के तैयार है। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, चाय भी हमारी बन गई है। तो चलो अब बना लेते हैं। ज़्यादा पतला बेसन और ना ज़्यादा गाढ़ा बेसन रखना है, क्योंकि ज़्यादा मोटा रख लेंगे तो बेसन बेसन अलग से निकल के आएगा। तो ये मैंने डाल दिया है भल्ला, ऐसे ही हम सेंक लेंगे सारे भल्ले। बंद कर दो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं भल्ले। सुबह नाश्ते मैंने बनाए थे चाय के साथ, क्योंकि मम्मी पापा आए हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें वो लोग नहीं बनाते हैं वहाँ पे खाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ आज, उनका मन था तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं आज। तो ये तैयार है भल्ले, चाय भी हमारी रेडी है, चलते हैं खाते हैं फिर शाम के। तो दोपहर में बनाई थी मैंने दाल अरहर की अमिया डाल के, तो मैं उसमें लगा रही हूँ तड़का अब। ये देखिए अमिया पड़ी हैं और बिना लहसुन प्याज का तड़का है। इसमें टमाटर मिर्च डाल दी, थोड़ा सा मसाला। तो बाबू हमारे हैं दूध नहीं पी रहे हैं, उनकी बोतल नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ फेंक दी। तो ये रो रहा है मेरी बोतल दो बोतल दो। मैंने कहा आप गिलास से पी लो, दो थप्पड़ भी मारे तब भी नहीं पी रहा है, कैसे छूटेगी बोतल। इधर हो रही अखंड, तो आवाज़ आ रही है, पाठ हो रहा है अखंड का। तो बोला मैं नहीं पीऊँगा नहीं पीऊँगा, थोड़ा बचा था तो इससे बोला गिलास से दूध पी लो, बोतल मिल नहीं रही है, किसी तरह बोतल इसकी छुड़वानी है तो छोड़ नहीं रहा है। तो मैंने कहा गिलास में पी लो गिलास में पी लो, तो अभी मार खाया है तब भी नहीं पिया है। इतनी तेज़ तूफान और बारिश आने वाली है, बहुत तेज़ धूल भरी आंधी आने वाली है, क्योंकि मेरा तो दिमाग पूरा फिर से सफाई करनी पड़ी। चलो दिखाते हैं। तो ये देखिए मौसम का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, और सामने है पेड़ पौधे तो और भी सुंदर लग रहा। देखिए बहुत ही तेज आंधी आने वाली है, पानी की आंधी आने वाली है। ये देखिए बछड़ा खड़ा है, तो ये देखिए इसके पैर में चोट लगी थी काफ़ी ज़्यादा, और ये सामने देखिए आराम से बैठा है। घर बना था नया तो आराम से इसमें सोता है, रात में दिन में भी उसी में बैठा रहता है। ये देखिए मौसम कितना ख़राब है। जो आलू फ्राई कर लेते हैं, धूल बहुत तेज लगी थी और मम्मी पापा भी आए हैं तो उनको भी आलू दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि दोपहर बहुत बड़ी होने लगी तो भूख भी जल्दी लग जाती है। तो शाम को मैंने नाश्ते में आलू फ्राई कर लिए, क्योंकि भूख लगी थी सबको, तो मैंने क्या बनाया जा आलू फ्राई कर लेते हैं। तो चलो मैं भी खा लेती हूँ आलू। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।